मैं पहाड़ों को रवा से रोज करता हूं। मैं पहाड़ों को रवा से रोज करना यार, अबे करना पहाड़ों को रवा से रोज करता हूं। अबे एक रोस्ट करना नखरा कानपुर के लगे पर रवा से रोज करना। ओके लेट्स गो। अबे क्या रोस्ट करूं मैं इस गाने को, ये गाने का तो कंसेप्ट ही गलत है। पहले दो लाइन में कंसेप्ट समझो। एक लड़की दिल्ली की रहने वाली है, वो गांव के रहने वाले सत्तू से प्रेम करती है और उसे शादी करना चाहती है। बस यही गड़बड़ कंसेप्ट है। सबसे पहली बात, आजकल देहरादून में अगर तुम्हारा अपना मकान नहीं है ना, तो कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं है। तो या तो सत्तू का देहरादून में बहुत बड़ा मकान है, और या फिर सत्तू इसको बेवकूफ बना रहा है और गाने का कंसेप्ट गड़बड़ तरीके से बनाया गया है। अच्छा, सत्तू बोल रहा है कि तक फ्री बिजली पानी या लंपू जगाणू, तो यानी कि सत्तू गांव में लंपू जगा रहा है। अबे सत्तू कौन से गांव में रह रहा है जहां 2024 में भी लंपू जलाया जा रहा है? मोदी जी ने सुन लिया ना, चप्पल चप्पल बजाएंगे तेरे। वो कह रहे हैं कि पूरे गांव में बिजली पहुंच गई है, तेरे गांव में अलग ही बिजली नहीं पहुंची। और भाई तेरे गांव में बिजली है, मुझे पोल दिख रहे हैं उसमें, दिख रहा है हर घर में जो है बिजली का बल्ब है, तेरी छानी में भी बिजली का बल्ब है, और तो और तेरे घर में डिश टीवी भी है। तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर गांव में बिजली नहीं है तो ये पोल क्या तूने चचंडे के लगोले लगाने के लिए रखे क्या? और ये जो बिजली के पोल की तार है, इसका क्या करेगा? इसमें कच्चे सुखाएगा कच्चे? और भाई एक तो ये गांव का मौसम मेरे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई टोपली पहन के घूम रहा है, कोई हाफ स्वेटर पहन के घूम रहा है, कोई फुल स्वेटर पहन के घूम रहा है, लेकिन ये मैडम है इसको ठंड का नामो निशान नहीं लग रहा। भाई साहब बिल्कुल जो है हाफ स्लीव में घूम रही है मैडम। वो गांव में हवा लग गई ना तो उसमें अमोनिया हो जाएगा। अच्छा निमोनिया होता है? हाँ निमोनिया हो जाएगा। और क्या कह रहे हैं कि तक फिरी बिजली पानी यख लंपू जगाणू, मैं धारा को पानी वालू तू बिस्लेरी वाली। एक मिनट, तो धारा का पानी तो फ्री होता है ना भाई, और बिस्लेरी पैसे की आती है, तो फ्री बिजली पानी उसका हुआ कि तेरा हुआ? बिस्लेरी तो पैसे दे के आती है ना भाई। और तुम दिल्ली में फ्री बिजली पानी की बात कर रही हो, फ्री बिजली पानी देने वाला अंदर हो गया तो अलग बात है कि गया वो पानी बिजली के चक्कर में, दारू के चक्कर में। और भाई तुम लंपू जला कैसे रहे हो? सबसे बड़ा सवाल तो ये है, अबे तुम्हें मिट्टी का तेल मिल कहां से रहा पहले ये बता दे। सत्तू तेरे पूरे गांव में बिजली के पोल लगे हैं और बिजली के पोल के ऊपर तार भी नजर आ रही है, इसका मतलब तुम्हारे गांव में बिजली है और तुम उस लड़की का बेवकूफ बना रहे हो। और मैडम मैं तुम्हें भी सिखा रहा हूँ ये सत्तू में किस बात का एटीट्यूड है। एक काम तो इसे ढंग से होता नहीं, एक नंबर का निठल्ला है, एक खाली गागर लेके तो घूम रहा है, और तुम इसके पीछे पीछे चल दी। उसके बाद तुम गई, तुमने पूरे कपड़े चेंज कर लिए, मेकअप करके भी आ गई, लेकिन ये सत्तू तब तक पानी भरने के लिए धारे तक नहीं जा पाए और गागर भर के ला पाए। अबे क्या करोगे ऐसे निठल्ले से शादी करके? उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सत्तू इस लड़की को बेवकूफ बना रहा है, इसके गांव में भी बिजली पानी फ्री है। दूसरी बात, जब तक ये लड़की इसके पीछे पीछे पड़ी हुई है, ये बंदा इसे एटीट्यूड दिखा रहा है, जबकि सत्तू खुद एक निठल्ला आदमी है, इससे एक खाली गागर तक नहीं भरी जा रही है। और तीसरी बात, इसके गांव में बिजली है, यानी कि सत्तू के घर में सब कुछ सुविधाएं उपलब्ध है, और वो लड़की को बेवकूफ बना रहा है, इसके गांव में कुछ उपलब्ध नहीं है। 2024 में ऐसी बातें करके ये जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए सत्तू को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वो तो कैसा लगा हमारा ये रोस्ट वीडियो? बहुत दिनों बाद रोस्ट वीडियो बनाया है, गाना बहुत अच्छा है, सौरभ मेठाणी की आवाज में। अब तक सुन जरूर लिया होगा, अगर नहीं सुना तो जरूर सुने, और हमें बताइए कि आपको ये गाना कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।